हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और अभी तक आपका कितना सेट हो चुका है? सेट 13, ठीक है गाइस, सेट 13 आपका हो चुका है। आपका अभी तक सेट 13 मतलब 13 सेट हो चुका है। टोटल कितना क्वेश्चन हो चुका होगा? 390 क्वेश्चन आपका हो चुका है, ठीक है। और आज आपका सेट 14 यानी 14 सेट स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसमें भी टॉप 13 क्वेश्चन रहेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्वेश्चन आपका मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस जो क्वेश्चन कराया गया है वो क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, रिवीजन के लिए। और नया क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इसमें बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो आपको साइंटिफिक नेम जैसे दिया जाता है, ठीक है, कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, किसी जानवर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वो सब आपको बहुत तरह का ऐसा इसमें मिलेगा, ठीक है। तो वो सब कभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, ठीक है गाइस। तो आज आपका सेट 14 स्टार्ट हो रहा है, तो पेन और पेपर लेकर जरूर बैठ जाए, ठीक है, ताकि आप अपने आप को जज कर पाए। और हाँ गाइस, ये सेट के बाद मतलब सेट 14 के बाद सेट 15 में आपको बताया गया था बहुत पहले कि अगर न्यूमेरिकल पोर्शन मैं स्टार्ट करूँगा, न्यूमेरिकल वाले पोर्शन, तो पोर्शन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आपका सेट 15 यानी अगले दिन जब सेट 15 होगा तो उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, ठीक है, पहले से आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। सेट 15 में आपका न्यूमेरिकल पोर्शन होगा अगले दिन, इसको नोट कर ले। ये इसलिए बताया जा रहा है कि अब आपसे सेट 14 के बाद आपका न्यूमेरिकल पोर्शन वाला जितना भी क्वेश्चन है वो सभी आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। पहले जितना भी क्वेश्चन कराया गया था सेट 14 तक, मतलब आज सेट 14 होगा, तो सेट 14 तक जितना क्वेश्चन कराया सब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था और वन लाइनर क्वेश्चन था, मतलब रटने वाला क्वेश्चन था मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है। अब जो सेट 15 स्टार्ट होगा अगले दिन से, उसमें आपको न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा कराया जाएगा, ठीक है। और क्या कराया जाएगा? थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है गाइस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। थ्योरी के अंदर दो तरह का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, दो से तीन तरह का। एक तो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन हो गया, उसको अलग करके मैं बता रहा हूँ। थ्योरी के अंदर दो तरह का क्वेश्चन हो सकता है। एक क्या होता हो सकता है? वन लाइनर क्वेश्चन, यानी केवल रट सकते हो उसको, ठीक है, अगर एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है, अगर भूल गए तो बार बार उसको रिविजन करना पड़ेगा। और एक क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्सेप्चुअल में आपका न्यूमेरिकल भी आता है और वन लाइनर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, ठीक है गाइस। तो सेट 15 से अगले दिन से आपका न्यूमेरिकल प्लस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। तो ये सेट में आपका क्वेश्चन पहले की तुलना में क्या होगा? हार्ड होगा, ठीक है, थोड़ा क्या होगा? हार्ड होगा। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। और सेट 15 में आपका ग्रेविटेशन जो चैप्टर है ये आपको कराया जाएगा, ठीक है, ग्रेविटेशन कराया जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। तो पहले से ये मैं बता दे रहा हूं ताकि आप अपने आप को तैयार कर ले टेस्ट देने के लिए, ठीक है। और जितना भी फॉर्मूला है, जितना भी चीज है, उसको आप लोग नोट कर ले, पढ़ ले, ताकि आप सेट 15 में कम से कम 25 प्लस क्वेश्चन आराम से कर पाए, ठीक है गाइस। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? बैक्टीरिया किसके द्वारा खोजा गया था, ठीक है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि बैक्टीरिया किसके द्वारा खोजा गया था। इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए क्या दिया है? एंटोनी वेन। ऑप्शन बी क्या दिया है? बेलुरस। और ऑप्शन सी क्या दिया गया है? ह्यूगो डी विलियर्स। ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। क्या होगा इसका आंसर? बहुत लोगों का अभी आंसर आ चुका है अभी तक ए, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा इसका? ए, एंटोनी वेन, ठीक है गाइस। इसका आंसर क्या होगा? एंटोनी वेन, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी यानी स्कर्वी किसे कहा जाता है? ये तो बहुत पहले आपको करा दिया गया है, ठीक है, कि स्कर्वी क्या होता है? मसूड़े से खून निकलना ही क्या कहलाता है? स्कर्वी कहलाता है। तो स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो किस विटामिन का कमी के कारण होता है? विटामिन के, विटामिन बी टू, विटामिन सी और विटामिन ए। क्या होगा इसका आंसर कमेंट करके बताएं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है गाइस, 5 से 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर देना है। ऑप्शन सी क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी विटामिन सी, विटामिन सी, ठीक है गाइस, विटामिन सी इसका आंसर होगा, ठीक है गाइस।
विटामिन सी। ऑप्शन क्या दिया गया है? सी। क्वेश्चन नंबर कितना है? 392। ये सब जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आज सेट 14 हो रहा है तो पीछे जितना भी पिछला वाला सेट है उसको भूल जाएंगे, ठीक है? उसको साथ लेकर चलना है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचरस सपोटा किसका वैज्ञानिक नाम है? कमेंट करके बताएं आप लोग, आचरस सपोटा किसका वैज्ञानिक नाम है? शरीफा का, या गुलमोहर, इमली या चीकू, ठीक है? क्या होगा इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन क्या होगा आपका? चीकू सी, ठीक है? ऑप्शन सी, चीकू। चीकू का क्या नाम है? साइंटिफिक नेम है, ठीक है गाइस, आचरस सपोटा, ठीक है? यहाँ पे चीकू विराट कोहली नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, चीकू यहाँ पे फ्रूट है। बहुत लोग विराट कोहली का साइंटिफिक नेम बता सकते हैं। झींगा किस फाइलम से संबंधित है? अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? झींगा किस फाइलम से संबंधित है? आर्थ्रोपोडा, निडारिया, या क्या दिया है? एकिनोडर्माटा और कॉर्डेटा। क्या होगा इसका आंसर? 394। ऑप्शन क्या दिया गया है? आर्थ्रोपोडा। क्या होगा इसका आंसर? आर्थ्रोपोडा, ठीक है गाइस, 394, ऑप्शन ए, आर्थ्रोपोडा। झींगा जो है आपका कौन सा फाइलम है? आर्थ्रोपोडा। और ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत पहले एग्जाम में, रेलवे का एग्जाम में, ग्रुप डी में ये आया हुआ है, ठीक है? ये आपका 2018 का एग्जाम में जो ग्रुप डी हुआ था, दिसंबर का शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है? तो बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पिछला ईयर का क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन को एक ही बार दिया जाता है, एग्जाम में बार बार भी दिया जाता है, ठीक है? तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका एग्जाम का ही है, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है, ठीक है? यहाँ पे क्या पूछा गया है? ऐसा जीव जो कोशिका विभाजन के अंतर्गत नहीं है, ठीक है? ऑप्शन क्या दिया गया? जीवाणु, वायरस, कवक, पौधे। क्या होगा इसका आंसर कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। क्या होगा इसका आंसर? वायरस होगा, ऑप्शन बी। वायरस क्या होता है? कोशिका विभाजन के अंदर नहीं आता, ठीक है? कोशिका सिद्धांत के अंदर कार्य नहीं करता, ऑप्शन बी, वायरस। और हाँ गाइस, सेट 15 जो आपका नेक्स्ट डे होने वाला है, इसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल का पोर्शन, ग्रेविटेशन जो चैप्टर है, और प्लस मैकेनिक्स जो जैसे हम लोग बोल सकते हैं काइनामेटिक्स, ये सब काइनामेटिक्स में ही आपका ये सभी आता है, ठीक है? ग्रेविटेशन, मोशन, जितना भी आता है। तो अभी आपका सेट 15 से काइनामेटिक्स स्टार्ट होगा, ठीक है? जितना भी काइनामेटिक्स से क्वेश्चन बनता है वो सभी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, ठीक है? जैसे ग्रेविटेशन हो गया, मोशन हो गया, उसके बाद SHM हो गया, बहुत ऐसा क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया। तो आपका सेट 15 में मैक्सिमम क्वेश्चन ग्रेविटेशन का रहेगा, ठीक है? तो इसके लिए आप रेडी रह जाए। सेट 15 क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? संसाधन जो लगातार उपयोग के लिए किया जाते हैं, बाद में उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है? द रिसोर्स विच कैन बी यूज कंटिन्यूसली ईयर आफ्टर आर कॉल्ड, क्या कहा जाता है? 396। ऑप्शन क्या होगा? डी, रिन्यूएबल। ऑप्शन डी, रिन्यूएबल। रिन्यूएबल, ठीक है, रिन्यूएबल कहा जाता है, ऑप्शन डी, इसको हम लोग अच्छा बोल सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम से भरा हुआ एक गुब्बारा हवा में उड़ता है, इसका रीजन क्या है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हवा में उड़ता है तो हीलियम हवा से हल्का होगा तभी तो उड़ेगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 397। हीलियम इज लेस डेंस देन एयर, यानी डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है? पहले क्या बताया गया था आप लोग को? डेंसिटी, आप लोग सभी लोग ने, सभी को मालूम होगा कि घनत्व जो होता है ये एक ऐसा चीज है, इनसे हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई वस्तु किसी चीज में डूब सकता है या तैर सकता है। हम लोग ये क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है, इसके बेस पे। तो घनत्व से हम लोग ये समझ सकते हैं। तो हीलियम क्या होता है? हवा में उड़ता है, यानी एक बलून में अगर हीलियम भर दिया जाए तो क्या होगा? वो हवा में उड़ेगा। इसका रीजन क्या है? हीलियम का जो घनत्व होता है, इसका घनत्व क्या होता है? कम होता है एयर की तुलना में, ठीक है, लेस देन होता है, ठीक है गाइस, एयर का तुलना में। तो ऑप्शन क्या होगा? सी, इसको नोट कर ले, ऑप्शन सी, हीलियम इज लेस डेंस देन एयर। हीलियम इज लेस
डेंस देन एयर, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हीलियम। हीलियम का घनत्व क्या होता है? कम होता है, ठीक है, कम होता है किसकी तुलना में? हवा के तुलना में, हवा के घनत्व की तुलना में। ठीक है गाइस, ऑप्शन क्या होगा? सी, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? जर्मन चांदी यानी जर्मन सिल्वर मिश्र, एक मिश्र धातु जिसमें कौन सी धातु शामिल नहीं होती है। जर्मन सिल्वर एंड एलॉय, ये एलॉय है, डज नॉट कंटेन द मेटल, यानी ये क्वेश्चन आपका मेटल से रिलेटेड है और उसमें भी आपका क्वेश्चन करा दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन पहले हो चुका है। ठीक है, मेटल नॉन मेटल में जो 75 क्वेश्चन कराए गए थे। तो क्या होगा? जर्मन सिल्वर में कौन सा मेटल नहीं रहता है? तो नाम से ही पता चलता है, जर्मन सिल्वर में क्या बताया था आपको कि नाम तो जर्मन सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर कितना होता है? सिल्वर 0% होता है ना, इसका मतलब जब 0% होता है तो कौन सा मेटल नहीं रहता है? सिल्वर नहीं रहता है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? चांदी। और चांदी का सूत्र क्या होता है? चांदी को हम लोग कौन से सूत्र से दर्शाते हैं? कमेंट करके बताया, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से क्या कांच को एक नीला रंग करता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट ए ब्लू कलर टू ग्लास, किसके कारण कांच ब्लू कलर का दिखाई देता है? ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं 399। ऑप्शन क्या होगा? 399 कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑप्शन ए कोबाल्ट ऑक्साइड। ठीक है गाइस, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण क्या होता है? कांच ब्लू दिखाई देता है। बहुत एक क्वेश्चन को बहुत तरीका से दिया जा सकता है, ठीक है, एग्जाम में। फ्लोरोसेंट ट्यूब, यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है उसमें सामान्य रूप से क्या, मतलब कौन सा पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो एक क्वेश्चन को बहुत तरीका से हम लोग तोड़ मरोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसका मतलब निकाला जाए तो एक ही मतलब निकलता है कि उसमें कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? 400 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन क्या होगा कमेंट करके बताएं? मरकरी वेपर एंड ऑर्गन, ऑप्शन क्या होगा? सी मरकरी वेपर एंड ऑर्गन। ठीक है गाइस, ऑप्शन क्या होगा? मरकरी वेपर एंड ऑर्गन, ऑप्शन सी होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित साधन में से कौन सा एक महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन कहां पर कराया गया था प्लीज कमेंट करके बताए, ताकि हर क्वेश्चन ऑप्शन देखकर ये अनुमान हो जा रहा है कि बहुत पहले ये क्वेश्चन करा दिया गया था। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में आपको ये क्वेश्चन कराया गया था, वहां पे क्वेश्चन अलग तरह से लिखा गया था लेकिन मतलब तो वही निकलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सोनार, ऑप्शन डी 401 का क्या होगा? डी सोनार। ठीक है, और वहां पर सोनार का फुल फॉर्म भी बताया गया था कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, क्या होगा इसका आंसर? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, वेलोसिटी यानी वेग, फोर्स बल और वॉल्यूम आयतन, क्या होगा इसका आंसर कमेंट करके बताए प्लीज। वॉल्यूम क्या होगा? ऑप्शन डी वॉल्यूम आयतन। ठीक है, आयतन आपका क्या है? स्केलर है। स्केलर का मतलब क्या होता है? अदिश, ठीक है, अदिश राशि, और वेक्टर को क्या बोलते हैं? सदिश राशि। इसको पहचानने का एक तरीका भी है, जैसा मान लिया जाए हम लोगों को मालूम नहीं है, ठीक है, कौन से इसमें से वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट तो सभी को मालूम है वेक्टर होता है, वेलोसिटी भी वेक्टर होता है, फोर्स भी वेक्टर होता है, तो क्या बचा आपका? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा आपका? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएं। गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर है उसके चैप्टर का ही नाम आपका एक साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है, ठीक है। जो लॉ होता है नियम, ग्रेविटेशनल लॉ, तो ग्रेविटेशनल लॉ अगर पढ़ेंगे तो वहां पे आपका साइंटिस्ट का नाम ही पहले दिया रहता है। तो क्या होगा इसका? आइज़ैक न्यूटन 403, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? 403 का सी, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन। हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन। ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है, यानी जीपीएस का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? 404। ऑप्शन क्या दिया गया है? ग्रीनविच पोलर सैटेलाइट, ग्लोबल पुलिस सर्विलियंस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड जनरल स्पेसिफाई सर्वे। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन क्या दिया गया? सी, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? सी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये जीपीएस का फुल फॉर्म है, ठीक है गाइस, इसको नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आइंस्टाइन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन आपका यही पूछा गया है कि आइंस्टाइन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और क्या दिया है? बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स। क्या होगा इसका आंसर? कमेंट करके बताएं। 405। ऑप्शन क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन ए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसके लिए सर आइंस्टाइन को क्या? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, ठीक है, यानी इसको हम लोग तोड़ मरोड़ के क्या बोल सकते हैं कि किस विटामिन से हम लोग को कैल्शियम मिलता है, ठीक है। एक चीज को बहुत तरह से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो 406 का आंसर क्या होगा? विटामिन डी। कैसे होगा? कैल्शियम सबसे ज्यादा हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? हड्डी में, बोन्स में, ठीक है। तो विटामिन डी का भी काम क्या होता है? बोन्स को मजबूत करना। तो हम लोग वहां से कॉन्सेप्ट ला के ये बोल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? विटामिन डी, विटामिन डी, ऑप्शन बी, ठीक है गाइस। कॉन्सेप्ट रहना बहुत जरूरी है, ठीक है, केवल रटने से नहीं होने वाला है। इफ वेस्ट मटेरियल कंटिमिनेट द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज विल स्प्रेड। यदि अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, पेयजल के स्रोत को दूषित करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां फैलती है? तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? 407। क्या होगा? स्कर्वी, थाइपॉइड, मलेरिया या एनीमिया। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, थाइपॉइड। ठीक है, क्या होगा? थाइपॉइड, ठीक है गाइस। इसका आंसर क्या होगा? आंत्र ज्वर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए जिम्मेदार सिम्बियोटिक बैक्टीरिया किसमें मौजूद है, ठीक है। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सेशन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन आर प्रेजेंट। तो 408 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मटर, क्या? पीज, ए, मटर, ऑप्शन क्या होगा? मटर, ठीक है गाइस, ए होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? नाइट्रोजन नियतन किसकी प्रतिक्रिया है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ए प्रोसेस। क्या होगा इसका आंसर? कमेंट करके बताया। 409। यहाँ पे हम लोग पहले ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया गया है? नाइट्रोजन का परिपाक, उसके बाद नाइट्रोजन गैस का उपयोगीकरण, अगला क्या दिया गया है? कार्बनिक नाइट्रोजन को प्रोटीन के रूप में परिवर्तित करना, और लास्ट क्या दिया है? कंजर्वेशन ऑफ मॉलिक्यूल नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया, यानी नाइट्रोजन से क्या अमोनिया बनाना। तो ऑप्शन डी होगा आपका, ठीक है, आंसर डी, कंजर्वेशन ऑफ
नाइट्रोजन टू अमोनिया, ठीक है गाइस। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रस्ताव दिया, यानी कि चार्ल्स डार्विन कौन सा पुस्तक लिखे थे, यह भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। अपने प्रिंसिपल को कौन सा पुस्तक में अपना प्रस्ताव को दिए, ठीक है, सिद्धांत को, तो क्या होगा, ऑप्शन क्या दिया गया है, द फैमिली ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, यानी फूलदार पौधे के परिवार, प्रजाति की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीवन और द स्टोरी ऑफ द लिविंग बर्ड, क्या होगा इसका आंसर, 410 द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, यानी प्रजाति की उत्पत्ति, ऑप्शन बी प्रजाति की उत्पत्ति। 9-10 क्लास में बायो में आपका ये चीज आपका वहां पे इन्वॉल्व था, ठीक है, कि चार्ल्स डार्विन ने कौन सा पुस्तक लिखा था, तो प्रजाति की उत्पत्ति, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, इसको नोट कर लीजिएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस। ऑप्शन बी दिया गया है।